हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीएस एजुकेशन सब मैम। यू आर वाचिंग इंग्लिश वोकैबुलरी विद सेंटेंस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस द हिंदू एडिटोरियल्स एंड इंडियन एक्सप्रेस बोथ न्यूज़पेपर्स में। इसमें रेगुलर बेसिस पे एवरी डे मॉर्निंग्स में अगर आप नहीं देखते तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश वोकैबुलरी जो आर्टिकल्स दिए गए उसमें से आर्टिकल डिस्कस करते हैं और वोकैबुलरी को डिसाइड विद सेंटेंस के साथ मैं प्रोवाइड करता हूँ। फॉर योर एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे एसबीए पीयू जिनका भी एग्जाम्स अभी होना है, ऑल द बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल्स आप सभी का एग्जाम्स अच्छे हो, हमेशा मोटिवेटेड रहिएगा, मोटिवेटेड रह के ही एग्जाम्स क्लियर होगा, ओके। एंड कोई भी एसएससी एस्पिरेंट्स हो, किसी भी एनी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश, ओके। तो इसी के बेस पर रेगुलर बेसिस पे आपको वोकैबुलरी विद सेंटेंस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस और आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अगर आप नहीं देखते रेगुलर तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, ओके। लेट्स बिगिन द सेशन। एंड बिफोर दैट, यू आर न्यू स्टूडेंट इन माई चैनल तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए, ओके। लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टूडेज 8 जून 2019, आप सभी का दिन मंगल में हो। जिनका भी एग्जाम्स, उनका एग्जाम्स अच्छा हो, एस बी पी ओ का अच्छे से प्रिपरेशंस करके, अच्छे से प्रिपरेशंस अगर आपने मेहनत अच्छे से की है तो 100% आपका एग्जाम्स बिल्कुल अच्छे तरीके से होगा, बिल्कुल एकदम दिमाग में सोच के जाइए इतना अटेंड करना है, इतना अटेंड नहीं करना है। याद रखिए, इतना सोच के नहीं जाना है, हमेशा सोच के जाइए जो एग्जाम्स होंगे उसके बेस पर हमको अटेंड करना है, क्योंकि आप उस समय ही नेगेटिव हो जाते हैं कि यहाँ हमको हमको इंग्लिश में 25-20 अटेंड करने, रीजनिंग्स में 35 के 35 अटेंड कर देने, तो वो बेस अपने को नहीं करना है। जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में अगर पेपर टफ आ गया, लेकिन आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, उसके बेस पर जो एग्जाम्स में प्रेपर जो एग्जाम्स आए उसी के बेस पर आप चलते रहिए, ओके। देखिए, फॉर मोटिवेशन कोड हियर इट इज, ह्यूमिलिटी इज नथिंग बट ट्रूथ एंड प्राइड इज नथिंग बट लाइंग, ओके। बहुत ही अच्छी बात कही गई है, यानी कि विनम्रता एक तरह से सच्चाई में विनम्रता आपकी है, सच्चाई में विनम्रता, सच्चाई आपको जो आप सच्चाई एकदम तरीके से कह सकते हैं, आप ईमानदारी तरीके से, सच्चाई तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो 100% एक बार आपको असफलता मिल सकती है, लेकिन बाद में आगे जाके आपको नेक्स्ट स्टेप में हमेशा सक्सेस ही मिलेगी। झूठ के कहते हैं ना, झूठ के कभी पैर नहीं होते, और झूठ एक आग तक आग की तरह फैल जाता है, तो फैलो भले ही लेकिन उसका पैर नहीं होता, कभी ना कभी गिरेगा ही, कभी ना कभी लड़खड़ाएगा। तो याद रखिएगा, सच्चाई के भी पैर होते हैं, सच्चाई पे हमेशा चलते रहिए। इसी मोटिवेशन कोड के साथ देखिए आज के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टूडेज टू आर्टिकल्स, देखिए दोनों आर्टिकल्स सेम आर्टिकल्स हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल्स हैं, जैसा कि मैंने कहा था इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से मैं पढ़ाऊंगा, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल्स है एंड देन ये द हिंदू एडिटोरियल्स का आर्टिकल्स है। दोनों आर्टिकल्स अगर आप दोनों पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप वन पढ़ते हैं तो गुड, ओके। दोनों पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए इसकी लैंग्वेज द हिंदू एडिटोरियल्स की लैंग्वेज और इंग्लिश इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेज में दोनों में डिफरेंस लैंग्वेज है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की थोड़ी लैंग्वेज वर्ड्स जो पावर होती है थोड़े इजी लेवल के होते हैं, मैंने दोनों में से वोकैबुलरी आपको प्रोवाइड करता हूँ, ओके। और हिंदू द हिंदू एडिटोरियल्स में थोड़ी वोकैबुलरी की वर्ड्स पावर जो अच्छे होते हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वीक है, अगर आप स्टार्टअप फ्रेशर हैं इंग्लिश में तो प्लीज इंडियन एक्सप्रेस ये आर्टिकल्स आपको पढ़ना चाहिए। ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, अगर आपने नहीं समझ पाता आर्टिकल्स तो ओवरव्यू, अगर फिर भी नहीं समझ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, 100% आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, ओके। देखिए फर्स्ट कहना ये चाहता है दोनों आर्टिकल्स में, कंट्री एंड चेंज, यानी कि नेबरहुड्स फर्स्ट इज द प्रायोरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट, यानी कि दिस मोदी गवर्नमेंट की नेबरहुड एकदम फर्स्ट है। जैसा कि आपको मालूम होगा, साग सम्मेलन हुआ, बिम्सटेक हुआ जी सेरेमनी में, शेयरिंग सेरेमनी में, उसमें जो इन्वाइट किया गया था वो सार्क सम्मेलन के बिम्सटेक, यानी कि जो बंगाल के जो भी कंट्रीज हैं उनको सारों को सम्मिलित किया गया था। लेकिन अब वो उस समय भी आर्टिकल्स आए थे, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था बिम्सटेक और साथ दोनों देशों में 8 कंट्रीज 6 कंट्रीज के बारे में, उनके भी बारे में आपको बताया था, उनकी कैपिटल्स के बारे में, उनकी करेंसी के बारे में मैं रोज़ाना डिस्कस करता हूँ 7 साल के बारे में। तो देखिए इस आर्टिकल्स में कहना चाहता है कि नेबरहुड फर्स्ट प्रायोरिटी इन दिस मोदी गवर्नमेंट, यानी कि कल आपको मालूम है आज टूडे 8 जून को मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर से म्यांमार की एक तरह से कैसे से मालदीव की यात्रा एक तरह से कर रहे हैं, मालदीव की यात्रा कर रहे हैं, याद रखिएगा 8 जून को। एंड देन नेक्स्ट कल आज वहीं एंड टुमारो वो श्रीलंका की यात्रा करेंगे टुमारो 9 जून को। तो याद रखिए उसी के बेस पर इसमें आर्टिकल्स दिया गया है कि मोदी गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, नेबरहुड से अड़ोसी पड़ोसी जो आस पड़ोस में उनको देश को साथ में लेकर चलना, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी देना, उसके बेस पर क्या काम करना, उनके साथ किस टाइप से रिलेशंस करना। मालदीव क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा चीन चीन का वहाँ ज़्यादा कब्जा रहता है मालदीव में,
ओके, मालदीव चीन का ज़्यादा बहुत ज़्यादा कब्जा रहता है, तो उसी के बेस पर उसमें मालदीव उसी के बेस पर मोदी जी अब सोचने चाहते हैं कि हमारी ये गवर्नमेंट चाहती है कि हम मालदीव में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो कंट्री एक तरह से कंट्री भी कह सकते हैं, एक तरह से देश भी कह सकते हैं, वो कंट्री हमारे तरफ झुके है अच्छे से झुके, चीन को इग्नोर करें। तो उसी के बेस पर चीन ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और भारत ने भी बहुत ज़्यादा लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया था। तो उसी के बेस पर इसमें आर्टिकल्स हैं, अच्छा आर्टिकल्स हैं, आपको पढ़ना चाहिए, अच्छा गुड आर्टिकल्स, दोनों आर्टिकल्स बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं। आपकी रीडिंग एबिलिटी, आपकी वोकेबलरी पावर से मैं इम्प्रूव कर ही रहा हूँ, 100% आपकी इम्प्रूव होगी। ओके, आई होप यू विल गॉट इट वेरी वेल, अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। दोनों आर्टिकल्स अच्छे आर्टिकल्स हैं, प्लीज पढ़ना आर्टिकल्स, ऑल ओवर आर्टिकल्स। पॉलिटिकल्स बेस पर तो मैंने लिया नहीं, ये आर्टिकल्स मेरे को अच्छे लगे तो आपको मैंने डिस्कस किया, बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स हैं, प्लीज रीड आउट कीजिएगा। ओके, 1 ही सेकेंड, 7 स्टार 2 डेज इन म्यांमार, ये मैंने पहले भी लिया, आज फिर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, अच्छे से आप भूलो ना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, म्यांमार, भूटान और एक तरह से मालदीव, जो तीनों तीनों कंट्रीज आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज करते हैं। ओके, अभी अभी SSC CGLS के जो भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं, उन्होंने जो एग्जाम्स दिए उनके बारे में, भूटान के बारे में पूछा था, कंट्रीज के बारे में, करेंसीज के बारे में। देखिए, म्यांमार 7 स्टार, कैपिटल्स ऑफ नेपिडो, नेपिडो इज द कैपिटल्स ऑफ म्यांमार। ओके, क्या इज द करेंसी, ओके, ब्रजिम्स, ब्रमीज एंड बुद्धिज्म्स रिलीजन्स है, विनयाट, विनमयाट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ, विनमयाट प्रेसिडेंट है, एंड मयाट श्री इज द वाइस प्रेसिडेंट एंड असेंबली ऑफ यूनियन, वहाँ के लेजिस्लेशन एंड पार्लियामेंट को। ओके, दीज आर 7 स्टार्स, दीज आर 7 स्टार, टेक ए स्क्रीन शॉट, कभी भी टाइम मिले तो तुरंत आप रीड आउट कर सकते हैं, कभी भी टाइम मिले। म्यांमार, भूटान, रेगुलर बेसिस पे मैं 7 स्टार आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप कभी ना कभी भूलो मत, इस तरफ से सीक्वेंस में आप अगर होगा तो 100% आप नहीं भूलोगे, एग्जाम्स में आएगा तुरंत क्लिक किया और आगे बढ़े। ओके, आई होप यू विल गॉट इट वेरी वेल, अच्छे, इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द 7 स्टार्स, इफ यू लाइक द एडिटोरियल सेशंस एंड आर्टिकल्स, अच्छे से समझ में आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, एंड वोकेबलरी देखिए, 2 डेज बहुत ही अच्छी वोकेबलरी मैंने प्रोवाइड की है, बहुत अच्छी वोकेबलरी है। ओके, ऑल, कुछ वर्ड्स इसमें न्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ओल्ड वर्ड्स है। ओके, देखिए, फर्स्ट अनप्रेसिडेंटेड बहुत ही कॉमन वर्ड है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, याद रखिएगा, अप्रूव यानी कि अभूतपूर्व काम करना, इट्स कॉल्ड बी अनप्रेसिडेंटेड। ओके, एग्जाम्पल्स देखिए, सच पॉलिसी वुड रिक्वायर अनप्रेसिडेंटेड कॉरपोरेशन बिटवीन नेशंस। ओके, पैराडॉक्सिकल्स, पैराडॉक्सिकल्स दिस इज द न्यू वर्ड्स, एग्जीक्यूटिव यूज हो रहा है कॉन्ट्रेडिक्टरी यानी कि विवादापस्त, विरोधाभास को, विवादापस्त, तो इट्स कॉल्ड बी पैराडॉक्सिकल्स। ओके, एग्जीक्यूटिव यूज हो रहा है, याद रखिएगा, ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ क्यूरियसली पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस, पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस। ओके, 8th देखिए, रिकॉन्साइल्स, रिकॉन्साइल्स यानी कि हार्मोनाइज, एक तरह से सामंजस्य, सामंजस्य स्थापित करना, मेल बना, मेल मिलाप करना, किसी चीज़ का सॉल्यूशंस निकाल देना, समाधान निकाल देना, इट्स कॉल्ड बी रिकॉन्साइल्स। ओके, एग्जांपल देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉन्साइल वंस स्टेटमेंट विद वंस कंडक्ट। ओके, दीज आर 3 वर्ड्स, टेक अ स्क्रीनशॉट विद सेंटेंस के साथ, अगर आपको सेंटेंस क्रिएट नहीं करना था तो मैंने जो सेंटेंस क्रिएट किए वो आप एग्जांपल्स में, आप कमेंट बॉक्स में सेंटेंस लिखिए, जो सेंटेंस मैंने लिखे अगर आपको नहीं आता, फ्रेशर है इंग्लिश में, तो जो सेंटेंस मैंने आपको लिखे वो सेंटेंस भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट रिप्लाई कर दें, क्योंकि एक बार आप लिखने में, आप बोल बोल के साथ लिखेंगे तो 100% आप इंग्लिश थोड़ी एबिलिटी, मुंह एक तरह से कह सकते हैं अपने माउथ में आने लग जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलने लग जाएंगे तो अच्छे से आपको रीडिंग एबिलिटी भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, देखिए, नेक्स्ट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड्स, 2 डेज नेक्स्ट वर्ड्स, आइटेनरी, आइटेनरी यानी कि 5 किसी चीज़ की यात्रा करना, आइटेनरी, अभी जो आर्टिकल्स आया था द हिंदू ट्यूटोरियल्स में उसका फर्स्ट वर्ड्स हेडिंग्स दिया गया है आइटेनरी। ओके, आइटेनरी यानी कि 5 यात्रा कह सकते हैं, जर्नी कह सकते हैं, इट्स कॉल्ड बी आइटेनरी। ओके, एग्जाम्पल देखिए, द नेशंस गैलरी इज ऑन मोस्ट टूरिस्ट आइटेनरी। ओके, जिंगोइजम्स बहुत ही अच्छा वर्ड है, जिंगोइजम्स, दिस इज द पेट्रोटिज्म्स, पेट्रोटिज्म्स, चौवेनिज्म्स, चौवेनिज्म्स, शॉविनिज्म्स, जिंगोइज्म्स, दिस इज अ नाउन, ये एक तरह से नाउन की तरह यूज होता है और इसका मतलब देशभक्ति, हिंदी में कहें तो इसकी प्योर हिंदी इट्स कॉल्ड बी देशभक्ति। ओके, पेट्रोलिज्म्स, पेट्रोलिज्म्स कैन टर्न इंटू जिंगोइज्म्स, कैन टर्न इंटू जिंगोइज्म्स एंड इंटॉलरेंस वेरी क्विकली। ओके,
अनविटिंगली, अनविटिंगली बहुत ही अच्छी एडवर्ब है, अनविटिंगली याद रहेगा, अनइंटेंशनली, ओके, किसी की चीज़ का कोई अनजाने जाने अनजाने में किसी काम को कर देना, इट्स कॉल्ड बी अनविटिंगली, ओके। एग्जाम्पल दीजिए, प्रेजेंट कैन अनविटिंगली ट्रांसमिट देयर ओन फियर्स टू देयर चिल्ड्रंस, ओके। दीज आर थ्री सिक्स इडियम्स, सिक्स वोकैबुलरी वर्ड्स विद द सेंटेंस। आप भी कोई भी वर्ड्स के सेंटेंस बनाए, जो मैंने वर्ड्स दिए हैं 10 वर्ड्स, आपको साथ में मिल जाएगा, पीछे कलेक्शंस 10 वर्ड्स का, एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसी में से सेंटेंस अपनी नोट्सबुक में, चाहे कमेंट बॉक्स में सेंटेंस के लिए, 100% आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होती जाएगी, ओके। देखिए सेवंथ है बैप्टिजम्स, बैप्टिजम्स यानी कि क्रिश्चियन सेरेमनी, किसी चीज़ की, किसी क्रिश्चियन सेरेमनी, एक ईसाई को जिसे दीक्षा बोलते हैं, दीक्षा बोलते हैं, वहाँ पर ये वर्ड ज़्यादा यूज होता है, इट्स कॉल्ड बी बैप्टिजम्स। किसी बच्चे का भी नामकरण भी हो, नामकरण संस्कार भी हो, इट्स कॉल्ड बी बैप्टिजम्स, ओके, याद रखिएगा। द क्रिश्चियन सेरेमनी ऑफ बैप्टिजम्स इज अ सिम्बॉलिक एक्ट, ओके। वीगर बहुत ही कॉमन वर्ड है, वीगर यानी कि गुड हेल्थ, किसी अच्छी सिचुएशंस में हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वास्थ्य एकदम से लाभदायक हो, इट्स कॉल्ड बी वीगर, ओके। एग्जाम्पल देखिए, द सेट अबाउट देयर वर्क विथ यूथफुल वीगर्स एंड एंथुसियाजम्स, ओके। एंड्योर यानी कि सफर करना, सहना, एकदम सहना, इट्स कॉल्ड बी एंड्योर, ओके। नथिंग कैन हेल्प अस एंड्योर डार्क टाइम बेटर देन हर फेथ, ओके। एंड्योर यानी कि सफर करना, दीज आर 9 वर्ड्स, टेक ए स्क्रीन शॉट विथ सेंटेंस, अगर अच्छा लग रहा हो, इफ यू लाइक द वर्ड्स, इफ यू लाइक द वोकैबुलरी, इफ यू लाइक द सेंटेंस, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। याद रखिएगा, लाइक ही मेरा मोटिवेशन से, लाइक से मैं अच्छे 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 वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, अच्छे 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 वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको प्रोवाइड करता हूँ विद सेंटेंस के साथ, तो प्लीज प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। देखिए वर्ड ऑफ द डे, टुडेज वर्ड ऑफ द डे बहुत ही अच्छा वर्ड है, लार्जेसी। लार्जेसी यानी कि चैरिटी, दानशीलता, एक तरह से कह सकते हैं, डोनेशंस भी कह सकते हैं, नाउन की तरह यूज होता है, याद रखिएगा, ओके। सिनोनिम्स देखिए, चैरिटी, मोनिफिशंस, मोनिफिशंस एंड बाउंटी, ओके। एंटोनिम्स देखिए, ग्रिड, स्टिगनेस एंड मसलेंस, मिजरलेंस, ओके। एग्जाम्पल देखिए, द थ्रेट कैन बी द रीमेंस बेनिफिशियरी ऑफ द फाइनेंशियल्स लार्जेस, दिस इज आवर एग्जाम्पल्स, दिस आर सेंटेंस। आप इस टाइप्स के वर्ड्स ऑफ द डे रेगुलर बेसिस में आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप अच्छे से वर्ड्स की पावर अच्छे से जान सकें, अच्छे से आपकी वर्ड्स वोकैबुलरी पावर अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, टुडेज इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही अच्छी न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस है, 100% आपको SSC CGLs और SSC CHSL एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, MTS की भी प्रिपरेशन कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टू गेट वंस ओवन बैक यानी टू गेट्स वंस रिवेंज, किसी चीज का बदला लेना, इट्स कॉल्ड बी टू गेट्स वंस ओवन बैक, ओके। टू हैड टू ब्लेस अ ट्रायल, टू ब्लेस अ ट्रायल टू लीड द वे ऑफ एज अ पायनियर, ओके। टू स्टीयर क्लियर ऑफ यानी किसी चीज को इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, मना कर देना, इट्स कॉल्ड बी टू स्टीयर क्लियर ऑफ, ओके। फोर्थ देखिए, एट अ स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी कि कंटिन्यूसली, लगातार किसी चीज़ को एकदम लगातार तरीके से करते रहना, इट्स कॉल्ड बी एट अ स्ट्रेच, ओके। याद रखिए, दीज आर फोर्थ इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड आर्टिकल्स। अगर आपको समझ में आएगा चीज़, अगर आपको हेल्पफुल है, लुक्रेटिव है, आपका इंस्ट्रूमेंटल है दिस विशेषंस, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और याद रखिएगा, लाइक ही मेरा मोटिवेशन है, लाइक से अच्छे से अच्छे मैं वीडियो आपको क्रिएट कर सकता हूँ, अच्छे से अच्छे आपको सेंटेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, अच्छे से आपको आर्टिकल डिस्कस कर सकता हूँ, ओके। लाइक ही मेरा मोटिवेशन है, तो प्लीज प्लीज लाइक करना ना भूले। और रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में इंग्लिश का सेशन आता है, और इवनिंग्स में आपको मैथ, अर्थमेटिक्स, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं सेशंस प्रोवाइड करता हूँ। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं देखा है, एक बार जाके देख लीजिए, प्लीज मैं कह रहा हूँ, एक बार जाके देख लीजिए, 100% आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, ओके। दीज आर 10 वर्ड्स, टेक ए स्क्रीन शॉट, कभी भी टाइम मिले तो तुरंत आप रीड आउट कर सकते हैं। देखिए अनप्रेसिडेंटेड पैराडॉक्सिकल, जैसा कि मैंने कहा था, 10 वर्ड्स आपको एकदम इकट्ठा, एकदम कलेक्शन के गैदर, सारा कुछ टुगेदर से आपको मैं दे दूंगा 10 वर्ड्स, तो आप उससे भी इसमें सेंटेंस आप चाहे मेरे कमेंट बॉक्स में से, चाहे अपने नोटबुक में करें, किसी में भी आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। मेन माई मोटो, ओनली फॉर योर स्पीड इंक्रीज, ओनली फॉर वोकेबलरी इंप्रूवमेंट हो आपकी, तो उसी के बेस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, और मेरा कोई अदर्स मोटो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे, ताकि मेरा भी अच्छा मोटिवेशन बना देगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग्स एंड शेयरिंग्स, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। इफ यू एन्जॉय द सेशंस,
आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस. इफ यू एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. जय हिंद, जय भारत.